ठीक है, अभी तो देखो, अब ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो करना। देखो क्या होता है, बात है कि एक तो चीज़ है कि अपने पास देखो अभी टाइम है, तो मैं चाहता हूँ चीज़ें थोड़ा अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। तो देखो, ये जो पैसे है नहीं, पढ़ा करो, मतलब एग्जाम में नहीं पढ़ना, पर अभी पढ़ना ही है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, टच पेन से आ गया, इसमें पेन के टाइप है, ठीक है। तो ये पैसेज अभी आप लोग पढ़ना, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ ध्यान से समझना। अभी टाइम है अपने पास, तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग, जैसे मैं क्यों नहीं करवाऊंगा, मैं तो बिना पढ़े ही करवाऊंगा, वो अलग मामला है, पर आप लोगों को इनका पैसेज को पढ़ना, उसका रीजन समझ लो। यूपीएससी 2011 से लेके 2023 तक के पैसेज आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। रटे हुए इन द सेंस, आप पढ़ते रहना इनको बार बार, ठीक है। पढ़ पढ़ के, जब भी आप लोग खुद से बनाओगे तब आप लोग पढ़ के ही बनाना है इसको, ठीक है। पढ़ के बनाना, अच्छे से समझना इसको, बार बार पढ़ना। सारे पैसेज पढ़ लोगे तो इसका फायदा है, एक तो पहला फायदा ये होगा कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बताऊंगा, जैसे है ना इसी पेपर से रिपीट होता है क्या 2023 में। ये क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट रिपीट हुआ था जीएस सी सेट में, और जीएस में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। पैसे से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा जब, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 2023 में आता, अगर आप लोगों को ये मतलब अगर ये पैसे समझे हुए होते तो आप लोग आराम से कर लेते। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी तो मैं ऐसे करवाऊंगा, आप लोग खुद से पढ़ना है, समझना है, फिर करना, खुद से पढ़ना समझना, ऐसे करते रहना जितनी बार 2011 से लेकर 2023 तक। अभी तो साथ के साथ जो मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे आज मैं करवा दूंगा तो ठीक है, तो मैं करवा दूंगा, आप लोगों को क्या करना है कि खुद फिर पढ़ के भी करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, तो आप लोग जब इस तरीके से करोगे ना तो चीज़ें होगी, ठीक। अब देखो, पहले काम है कि मतलब आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ना है आप लोगों को, सारे पता होने चाहिए, भाई ये पैसे जब आया है, ऐसे आया है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को ही पढ़ने हैं, पर अभी मैं जैसे मैं बिना पढ़ाई करवाऊंगा, ठीक है, वो तो एक आप आंसर निकालना समझ जाओगे, पर मेरा मानना है कि आपको ये पता होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हेल्प मिलती है आपको, कुछ क्वेश्चन जीएस में भी हेल्प मिलेगी, यहाँ के क्वेश्चन डायरेक्ट जीएस में पूछे गए हैं इसी पैसेज से, ठीक है। और यही पैसेज रिपीट भी होते हैं, सेम इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट जो थीम रहती है वो रिपीट होती है, तो वो हेल्प लेने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा, पर एग्जाम में कैसे करना वो चीज़ समझो। जो मैंने आपकी बार एक नया तरीका ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है कि जो लोग पुराने मेथड जो अपनाते, जो मान लो पहली बार सोल्व करता बच्चा, वो क्या करता है, एक एक लाइन पढ़ता है, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ा, ठीक है, फिर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच ये होती है बच्चों की कि पूरा पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब जैसे क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं, फिर वापस उनको ऐसे वापस पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सोचो कि लगभग 3-4 क्वेश्चन है, तो 4 बार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो कोई मतलब नहीं, वो टाइम टेकिंग मेथड है। और मैंने देखा है कि जो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उनका लगभग लगभग 1.5 घंटे में ना यही बोली तो 26-27 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ। तो ये तो बहुत खतरनाक तरीका है, ये तो नहीं अपनाएंगे अपन, ठीक है। दूसरी बात, एक्यूरेसी में लिख के दे रहा हूँ गारंटी, इसमें एक्यूरेसी नहीं आएंगी, आएगी तो 50% या 60% तक आएगी। और जो मतलब एक्यूरेसी मतलब कि तुम 27 क्वेश्चन आ रहे हो तो कितने सही कर पा रहे हो, तो लग 15 से लेके तुम 16 के 16 क्वेश्चन, 27-27 तो कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, तो पहले ये गड़बड़ी है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। अब अब देखो, मैं जो नया तरीका आपकी बात, जो पिछले साल में आपके पास कुछ नया तरीका है, उसके रीजन मैं बता रहा हूँ, कुछ रीजन क्या है। तो एक तो यही तरीका हो गया। दूसरा अप्रोच जो मैंने अपनाया, पहले मैं अपनाता था कि मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ लेता था, फिर उसके बाद में पैसेज पढ़ता था। ये सेकंड अप्रोच होती है किसी पैसेज को सोल्व करने की। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद में पैसेज पढ़ो, तो क्या होता है, थोड़ा हेल्प मिल जाती है इसमें, पर ये भी टाइम टेकिंग है। जैसे वो 1.5 घंटे में हो रहा था, तो ये लगभग ये मान के चलो 50 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, पर फिर भी टाइम टेकिंग तो है, ठीक है। तो ये अप्रोच है, ठीक है। लास्ट ईयर जो मैंने अप्रोच सिखाई थी, उसमें ये अप्रोच था कि डायरेक्ट मैं क्या करता था, ऑप्शन पढ़ता था, सोल्व करता था, ठीक है, कहाँ जहाँ माइन्यूट लेवल पे ज़रूरत पड़ती थी वहाँ जाके देखते थे, ठीक है। तो उसी को मैंने आपकी बार थोड़ा नया पैटर्न किया है, ठीक है। नया पैटर्न इन द सेंस क्या करना है, आपकी बार अप्रोच तो यही अपनाएंगे कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। परंतु क्या होगा कि जब भी दो क्वेश्चनों में जब डाउट रहेगा, तब अपन जरूर पैसेज पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक्यूरेसी बढ़े। तो मेरा ये मानना कि आप लोगों के, जैसे मैं जो सिखा दूंगा उसके बाद में आप लोगों के गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, 20 से 25 के बीच में जरूर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसके उतने ज़्यादा सही होंगे। मैं 27 की गारंटी नहीं ले रहा, पर ये है कि मिनिमम 20 से कम भी नहीं होंगे।
और इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा 30 से 40 मिनट, समझ में आ गया? तो ये करना है अपने को, जो मैं आज जो पैटर्न सिखाऊंगा, मतलब जो ये नया अप्रोच है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें क्या एक्यूरेसी बढ़ानी है मुझे आप लोगों से, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंप्रेंशन के, ठीक है, अच्छा खासा कर लो, रीजनिंग मैथ भी मैं करवाई दूंगा। देखो लगभग लगभग आपने जितने भी पेपर देखे 2023 वाला भी देखा, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजी वाले, जो पढ़ के किए जा सकते हैं, ऐसा को मतलब बिल्कुल भी उसमें कुछ ही नहीं। तो लगभग ये मान के चलो 15-20 क्वेश्चन अपन इधर से कर लिए, 20 से 25 क्वेश्चन इधर से कर लिया, आराम से 40 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन तो अपन फिर मैं जब सिखाऊंगा, मान लो कि एनसीईआरटी, तो लगभग मेरा टारगेट है कि तुम लोगों में 50 क्वेश्चन करवा दो, 50 क्वेश्चन करवाने का मतलब हो गया सीधी सी बात है 125 नंबर, तो मेरा टारगेट है तुम लोगों 100+ टारगेट करवाने का, ठीक है? तो मेरा ये टारगेट है, तो जिसमें से पहला टारगेट ये है कि मैं यहाँ से 20-25 क्वेश्चन आप लोगों के करवा दूँ, ठीक है? पिछली बार हुए भी हैं ऐसे, नहीं मेरे स्टूडेंट थे उनके 25 क्वेश्चन भी सही हुए हैं, अरे एवरेज ऑफ द देखे जो 20 के समथिंग लगभग सब पहुँचे हैं, ठीक है? अपन कुछ कुछ गलतियाँ रही थी, अब वो चीज़ें सुधारनी है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी 27 में 27 में सही हो जाए, परंतु वो एक बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, उतना सोचना भी नहीं है। मेरा मानना कि 22, 23, 24 इतने भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो पहली बात समझ में आ गया, तो अपन आप लोगों को पढ़ना है ये 2000, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कंपेरिजन के लिए कोई काम मत करना, जो मेरे वीडियो है, ठीक है, जो मैं तरीका, ये जो पैसे जब पढ़ लेना, ये जीएस में भी काम करवा देंगे आपके, कुछ हेल्प रटे हुए होने चाहिए, पर जैसे ये पता है समावेशी विकास के बारे में, समृद्धि के बारे में बात कर रहा है, आगे को पैसे जा रहा है, क्रिटिकल जो इन स्पीसीज होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, इस तरीके से पूरा पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके यहाँ से जीएस के 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 2024 के पीटी के लिए, और सीसेट में भी रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है? अब आ जाओ सबसे पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, लेखांश के अनुसार, ठीक है, लेखांश के अनुसार, ठीक है, अपने को पता नहीं लेख में क्या लिखा है क्या है, परंतु अपन जीएस के जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना इसको, ठीक है, कौन कौन से कथन सही है, और मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इसमें ट्रिकी करेगी कि इसमें भी ऑप्शन बना देगी 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो मेरा साथ नहीं करेगी, अगर कर भी देती तो घबराना नहीं, क्योंकि जीएस में अपन सीख चुके तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उधर फायदा ही है उसमें, ठीक है? परंतु अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही जो जीएस में ट्रिक लगती है वो भी यहाँ पे भी लगती है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, देखो समावेशी संवर्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था, ठीक है? अब स्वाभाविक सी बात है अपने को चलो नहीं पता समावेशी संवर्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, तो ये तो पॉजिटिव बात है भाई, कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये तो सही है, तो इसका मतलब ये तो गया काम से, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, इस टाइप से ही आंसर निकालना है, कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कहाँ पे बात कर रही है, समय की आवश्यकता एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, तो ये अंडरलाइन कर लेना, मैं जहाँ से आंसर खोज रहा हूँ, ठीक है? तो पहली चीज़ यहाँ से पता लग गई, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप करना चाहिए, आजकल न्यूनतम मिनिमम की बात चल रही है, आजकल सरकार हर जगह से हाथ हटा रही है, सब ऐसी बात है, ऋषि की ही बात बोली जाती है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो कटेगा, जहाँ थर्ड है उसको काट दो। देखो आंसर आ गया, 4 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी, तो ये वाला जो नया वाला जो तरीका है इसमें ये है, टाइम भी बचेगा आपका। अब देखो ना इधर, ये तो नए वाले में टाइम भी बचेगा आपका, फालतू का कुछ, ठीक हो? मैंने पहला पढ़ा समावेशी संवर्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था, मान लो नहीं पता आपने को किसने रखा गया, तो मान लो हो जाए ट्रिकी कर जाए। समय की आवश्यकता कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, तो समझ में कैपेबल और पॉसिबल वे में बोल रहा है एक, ठीक है? तो ये सही है, 2 सही है, तो भाई सी गया, ठीक है? अब देखो सरकार को बाजार की प्रक्रिया में अधिकतम, भाई न्यूनतम की बात चल रही है आजकल, सरकार हटो तो मतलब तीसरा गया तो आंसर आ गया, चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ लेते हैं। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो, अरे भाई आजकल न्यूनतम मिनिमम या वो याद रखना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो वाला स्लोगन, ठीक है? तो स्वाभाविक सी बात है, अब एक तो ये तरीका हो गया, अब मैं फिर बता रहा हूँ वो आप लोगों को काम करना है जाके, अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अब फिर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे परेशान होगे, अब मैं जो काम बोलते जा रहा हूँ तुम लोग नहीं कर रहे हो, अब मैं फिर बता, रिजल्ट नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करेगा, उसका रिजल्ट आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। चौथा ऑप्शन आपने बोला,
चौथा ऑप्शन आपने बोला मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम। गवर्नेंस। ठीक है, अब सुनो एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोगों को क्या करना है, ये काम मैं अभी नहीं कराऊंगा, जब मैं अप्रैल में करवाऊंगा दोबारा इनको तब मैं करवाऊंगा, पर आप लोगों को अभी खुद से करना है। तुम लोगों को जाके ये स्टेटमेंट जो चारों स्टेटमेंट दिए पैसेज में जाके देखना कहाँ कहाँ दिया, जैसे मैंने ये बता दिया तो देखो ये डायरेक्ट दिया है। अब आप लोगों को ऐसे खोजना है कहाँ पे कहाँ दिया है, तो मैं जब अप्रैल में करवाऊंगा तो मैं ऐसे एक एक करवाऊंगा, जिसने किया रहेगा उसी को फायदा मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ याद रख लेना कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ बात बोली गई है। देखो ये वाला, देखो पहला स्टेटमेंट ऐसे खोजना है, जैसे पहले लक्ष्य ये होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समाज में समृद्धि को उद्देश्य रखा था, ये मिल गया, तो ऐसे स्टेटमेंट खोज के रखना आप लोग, ये काम करना, इसी के साथ आप लोगों को पढ़ लेना है, तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ काम कर लेना, नहीं करोगे पछताओगे ना, किसी हाल तो सही नहीं होंगे फिर, मैं लिख के दे गारंटी पे 10-12 सही होते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर। अगर 25 तक पहुँचना है तो समझ बात, जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करते जाना। अरे ऑप्शन पे काम नहीं करना, ये खोजना है आपको, ये ऑप्शन मतलब नहीं, इसमें ढूंढना है ना पैसे ढूंढना। हाँ पैसे में ढूंढना आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखो, मैं कुछ इसमें एक और ट्रिक लग रही है वो मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया? आंसर कैसे नहीं, बिना पैसे पढ़े भी आंसर आएगा ऐसे नहीं है, पर बस यही कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा सही हो। ठीक, ढूंढ लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा। अब देखो सुनो ध्यान से, समय की आवश्यकता की एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो, तो इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट आएगा ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास हो गया तो आप क्या जानते हैं, अपन दोनों एक साथ कभी नहीं आते, दो चार कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो दो चार एक साथ में कभी नहीं आएंगे, दोनों में से आकार में फिर कुछ होगा भी तो नहीं, नहीं जब तक अगर सामर्थ्यकारी नहीं होगी तो हाँ आप तो सब कितने भी वही तरह, बढ़ा आकार लो। में कितना बड़ा लो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। ठीक है, तो देखो समझो, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये कट गया। दूसरी बात, समय की आवश्यकता की एक सरकार हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, फिर दूसरी बात ये काटेंगे, थर्ड काटेंगे, ठीक है, अब दूसरा होना ही चाहिए, फिर चार एक दो हाथ आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, पर मैं जो बैग काम बोला हूँ कर लेना साथ के साथ, फिर मुझे मत बोलना तुम लोग, अब मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ तुम लोग गलतियाँ करोगे। अब देखना ध्यान से देखना, अगला चीज नहीं करोगे तो तुम लोग ही खुद ही परेशान रहोगे, फिर मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा रिजल्ट, मैं जो साथ के साथ काम बोलते जा रहा हूँ करते जाना। अब देखो, लेखांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित कर, सोचो किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्य नीति को कार्य रूप में परिणित की जा सकती है, मतलब ये बोल रहा है, मतलब आप सोचो पैसेज की बात छोड़ो, मतलब सब ऐसी बात है कि ये मतलब जो भी इस पैसेज में ऐसी बात हो रही है कि एक ऐसी चीज़ को अपन उठाए जिसको अगर अपन बढ़ावा दें तो उससे जो है कि समावेशी समृद्धि हो, समावेशी ग्रोथ, मतलब सबका विकास हो, मतलब ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, तो ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो सबके लिए हो, तो सब ऐसी बात है वाइड अप्रोच, मतलब ऐसी कोई चीज़ देखनी है जो सबके विकास के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, देश के प्रत्येक नागरिक को सभी आवश्यकताएं पूर्ति करना, एक्सट्रीम वर्ड काटो, और प्रत्येक नागरिक की सरकार पगला नहीं जाएगी, इतनी करोड़ों जनसंख्या, पहली बात तो तुम्हें पता है, मतलब ये चीज़ सोचो कि जैसे आधार का जो डाटा वो भी नहीं बना सरकारों से सब पूरे लोगों का, तो पॉसिबल है ये? ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र पर विनियमनों को बढ़ाकर, नेगेटिव चीज़, रेगुलेशन बढ़ा दोगे तो उल्टा उसका ग्रोथ रुक जाएगा भाई, और विनिर्माण क्षेत्र के विकास करने से समावेशी समृद्धि कैसे हो जाएगी, दोनों का दोनों कट गए। विनिमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके, फिर ये देखो नेगेटिव काम कंट्रोल करना, सरकार का कंट्रोल करना चाहिए, नेगेटिव काम काटो। आगे देखो, समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है, पॉजिटिव काम है, और सब ऐसी ध्यान से समझो, जैसे ये अमीर लोग हैं तो इनको तो सरकार की जरूरत है ही नहीं हेल्प करने की, ये और मिडिल वर्ग है, ये लोअर क्लास है, और ये वो जो बिल्कुल बहुत वंचित वर्ग है। अब भाई सब ऐसी बात है, सबका समावेशी समृद्धि चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, इसकी ग्रोथ के तो समाज मान लो गवर्नमेंट इनकी थोड़ी बेसिक सुविधा दे दे, इनको मान लो इनको रोटी कपड़ा मकान दे दे तो इनकी तो ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ा सा रोजगार का अवसर दे दे, अगर इसको अपन बढ़ाते जाएंगे तो सब ऐसी बात है सबका विकास होगा, तो ये डी आंसर है, कोई जरूरत पड़ी पैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस कॉमन सेंस यूज करो, ध्यान से समझो, जो एक्सट्रीम वर्ड है उसको पकड़ते रहो। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो एक चीज़ यह भी याद रखना, सामर्थ्यकारी सरकार के कंपोजिशन क्या है। अब देखो यहाँ पे अपने पहले में क्या देखा था, समय की आवश्यकता है सामर्थ्यकारी सरकार हो, ठीक है, सरकार की देखो तो ये कटा था, अधिकतम की जगह न्यूनतम होना चाहिए और आकार की जगह छोटा आकार होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मतलब कैपेबल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ध्यान से समझना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
यहाँ पे पॉजिटिव वाला लगेगा, ठीक है? यही वही सेम ट्रिक लगेगी यहाँ पे, ध्यान समझना। सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है। विशाल नौकरशाही, मतलब सोचो कि ये तो बहुत नेगेटिव है, जितना ये याद रखना, जैसे गांधी जी ले लो या कोई भी ले लो, जितना ज़्यादा कानून का शासन, इसलिए गांधी तो बोलता था कि पुलिस की जरूरत ही क्या, पुलिस राज्य जरूरत ही नहीं है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ेगा, सर्विलेंस बढ़ेगा तो और जनता के लिए दिक्कतें होंगी। विशाल नौकरशाही नहीं, याद रखना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो ये गलत, विशाल नौकरशाही जरूरत नहीं है अपने को, जो नौकरशाही है वही अच्छे से काम करे, अपने को ऐसा चाहिए, केपेबल चाहिए नौकरशाही, ना कि विशाल नौकरशाही नहीं चाहिए अपने को। काटो, गया। चार पांच ऑलरेडी सही है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये है फायदा, पढ़ लो इनको। क्या है, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अलग सुविधा प्राप्त हो, इसमें यही तो कर रहे थे अपन, तो ये मतलब इसका जब आंसर है तो ये तो हो गई, पॉजिटिव है। निर्धनों को बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद करना, ये बात देखो बुनियादी सेवाएं पॉजिटिव। अब आगे देखो, चार पांच ऐसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखो, अब ये तो जरूरत ही नहीं है। प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कल्याण कार्यक्रम को लागू करना, ये मुझे बताओ प्रतिनिधि कब से करने लगी भाई, ब्यूरोक्रेट इंप्लीमेंट करते हैं, गलत। ठीक है, उल्टा प्रतिनिधि के माध्यम से करेंगे तो और ज्यादा करप्शन करेंगे वो लोग। तो ऐसे लोकाचारों का सृजन करना जिसमें व्यष्टि उद्यम को मदद मिले, मदद मिले पॉजिटिव काम कर रहा है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड के कार्य को बढ़ाए, पॉजिटिव चीज़ है, तो आएगा आंसर। 3 4 5 कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रख लेना। अरे ना, यही क्वेश्चन अब यूपीएससी 2020 में आया था, जीएस में, जो ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है, ब्यूरोक्रेट को योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम होता है, यही क्वेश्चन था, यही आंसर था। ठीक है, अब आगे देखो, राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कर सकने में असमर्थ है। खुद सोचो कि भारत सरकार क्यों नहीं सब लोगों की आवश्यकता पूर्ति कर सकता, आप मुझे बताओ। आवश्यकता है, आवश्यकता है तो बहुत होती है, जैसे सोमेश से पूछा जाए तो सोमेश की बहुत सारी आवश्यकता है, वो एक आवश्यकता पूर्ति होगी तो दूसरी आवश्यकता होगी, तो कभी आवश्यकता होगी खत्म, कभी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को संसाधन कम होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। भाई नौकरशाही तो है पर लोग करप्शन कर रहे हैं, अच्छे से इफिशेंट रूप से वर्क नहीं कर रहे, ठीक है? वह समावेशी समृद्धि प्रोत्साहित ही नहीं करता है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट। गवर्नमेंट भाई समावेशी समृद्धि बढ़ाना चाहती है ना। काटो, डी आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, इस लेखांश के द्वारा व्यक्त सार्वभौम संदेश क्या, तो सोचो इन चारों क्वेश्चनों से अपन ने क्या समझा। एक तो भाई एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, छोटी गवर्नमेंट मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है? और लोगों की जो बेस, जो मान लो कि कमज़ोर व्यक्ति है उनका फायदे के लिए काम करनी चाहिए, ठीक है? वैसी कुछ काम है, ठीक। इस लेखांश के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है, तो मतलब इसी टाइप के संदेश की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना, राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि को देश को याद रखना चाहिए, मुझे बताओ याद रखने से क्या होगा, तो इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा अच्छा है, तो ये तो फालतू की बात होगी। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाए, कहीं ऐसी बात हुई, कहीं ऐसी नहीं, बुनियादी सेवाएं बोला ना कि अधिक स्कूल ना वो बोला स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। अरे आवश्यक है, वर्ड मैंडेटरी वर्ड गलत होते हैं, चीज़ याद रख लेना, ठीक है? सरकार के लिए आवश्यक है, आवश्यक वर्ड फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार उद्योग स्थापित करें, अरे भाई बाजार उद्योग ने उनको बेसिक नीड उपलब्ध करवाओ, ये देखो बुनियादी सेवा है यहाँ पे देखो। समावेशी संवर्धि को प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, ये बात सही है कि कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, तो ये है मैसेज। मैसेज मतलब स्वाभाविक सी बात है, एक चीज़ याद रखना कि वो कुछ ऐसी बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ सिखाना चाह रहा है, संदेश देना चाह रहा है, मैसेज देना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है या चेतावनी देना चाह रहा है, ठीक है? पुनः विचार करने की आवश्यकता है, एक बार रीथिंकिंग करना है तभी जाके कुछ होगी। नीड टू रीथिंक इन द रोल ऑफ द स्टेट इन अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि अपन इंक्लूसिव ग्रोथ उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैंने जो काम बोला वो चीज़ समझ लो, जो कर लेना, साथ के साथ करते जाना, इनके एक एक के आंसर जाके पेसेज में देखना है। मैं चाहता हूँ ताकि कल कुछ भी आपदा आए तो उसमें निपटने की स्थिति में, ठीक है? ये फटाफट 6 7 8 क्वेश्चन करो,
सोमेश करो, और बिना क्यों पढ़े, बिना पैसे पढ़े, हाँ एसएससी नहीं पढ़ डायरेक्ट अभी वो तो घर जाके रूम पे जाके करना। ऐसे पता लगता है। एक ही चीज बनानी है ना 8 तक। हाँ हो गए सर। ठीक है, एक मिनट और जल्दी, जिसका नहीं हुआ कंप्लीट कर।
जो मैं तरीका अपना रहा हूँ नया वाला जो मैंने बताया था वो करने का ट्राई करना कल। अब इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे कल सब करके लाओगे, ठीक है? ये 2011 का कंप्लीट करके लाना है, ठीक है? तो उसमें तुम लोग क्या अपनाओगे तरीका, जैसे मान लो कि ये पढ़ा, ये पढ़ने के बाद में मान लो कि एक आध दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट काट लिया, फिर मान लो कि दो स्टेटमेंट बच रहे उसके बारे में कुछ भी आइडिया निकले, तो उसी के लिए स्पेसिफिक पढ़ना, तो उसी का फास्ट होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। कल ये अप्लाई करके देखना, ये नया वाला जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वैसे जो स्टेटमेंट ना समझ रहे हो ना, वो जाके पढ़ना बस, बाकी वैसे करके देखना। बाकी वैसे करके देखना, ठीक है? बहुत सारे में ऐसा होगा कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर बहुत सारे में होगा नहीं आएगा, तो उसके लिए करना था कि मैं चाह रहा हूँ एक्यूरेसी बढ़े, तुम लोग 25 तक पहुँचो ताकि सी सेट क्वालिफाई देखो तभी होगा, ये चीज़ रख लेना। ऐसे तो मैं ट्राई करूँगा रीजनिंग मैथ से ही हो जाए इधर से तुम लोग, पर नहीं मैं चाह रहा हूँ सब लोगों को बैलेंस बना के चला जाए, ठीक है? अब इधर आओ सब लोग ध्यान से देखना, सृजनशील समाज से लेखक के क्या क्या निहितार्थ है। पहले मैं ये सबसे आंसर पूछ लेता हूँ ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलो देखो छट्टा, एक मिनट रुको, छठा सातवां और आठवां क्वेश्चन है, बताओ सो में मेरा छठे का क्या आंसर है, डी मैंने लगाया है। सातवें का, सातवें का सी, आठवें का, आठवें का मैंने ए लगाया है, ठीक है? ये बता विक्की तुम, मैंने नए वाले पैटर्न के थ्रू छठे का, नया पैटर्न क्या है इसे, फिर छठे का लगाया मैंने सी, हां और सातवें का लगाया मैंने सी, आठवें का लगाया है मैंने डी, ठीक है? अमित बताओ। सर छे का तीन सी, और सात का भी सी, आठ डी, आठ का डी, ठीक है? उसके बाद में कौन, सचिन जी बताओ। और नौ का भी डी, अरे नौ क्यों कर, नौ करना ही नहीं तो नौ पैसेज है ही नहीं, तुम कहाँ भाग रहे हो, नौ रीजनिंग का क्वेश्चन है। और मैं क्या बोला, छः का डी, सात का, सात का है सी, सात का सी, आठ का, आठ का है ए, ओके। अब इसके बाद है सपना, छठे का बी, सातवें का सी, और आठवें का डी, आठवें का डी, नहीं ना सर, तीनों में ही सी होंगे, ओके। अब इसके बाद में कौन बचा है, और कौन कौन है, काजल सर सिक्स में आएगा सी, सेवन में भी सी, और एट में डी, ठीक है? उसके बाद में और कौन बचा, पूजा सर मेरा तीनों का सी है, ठीक है? और वो कोई है और बचा हुआ, रिद्धि है, रिद्धि तो शायद क्लास कर ही नहीं करे, और कोई है क्लास रिद्धि में, नहीं है रिद्धि नहीं है, और कोई है इनके अलावा, ठीक है? आप देखो, आप देखते जाओ, जो अपना अपना आंसर बताया वो देखते जाओ। ये देखो ऐसे मैं बता ही देता हूँ, ये सबका सही हुआ है, अब मेरे समझ नहीं ये क्यों सही हुआ, अभी देखता हूँ सबके सही हुआ। ये देखो ये गलत हुआ, इसका भी गलत हुआ, इसका भी गलत हुआ, इसका भी गलत हुआ, इसका भी गलत हुआ, ओनली नगीना का सही हुआ ये, और सबका गलत नहीं, इसका पूजा का भी सही हुआ, ठीक है? ये गलत हुआ है, समय इसका ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है? अब देखो तुम लोग सब इधर, अब किसने क्या गलती है कि ये देखना, सृजनशील समाज, ठीक है, से लेखक का क्या निहितार्थ है। प्लस सृजनशील समाज का मतलब ये होता है जो नए नए विचारों को बढ़ावा देता है, ठीक है? क्रिएटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है? सिंपल सी बात है, नई इंग्लिश में पढ़ लो क्रिएटिव सोसाइटी, ठीक? क्रिएटिव सोसाइटी वैसे जहाँ पे एक नए नए विचारों को बढ़ावा दिया जाता है उसकी बात कर रहा है अपने को, ठीक? एक समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने को प्रयत्न करते हैं, अरे प्रयत्न नहीं करते, प्रोत्साहन मिलता है, तो वैसा क्रिएटिव सोसाइटी होगा, गलत बात। प्रयत्न करना मतलब नेगेटिविटी हो गया ना, मतलब जैसे समझो, ठीक
सृजनशील समाज से मतलब होता है जहाँ पे जैसे जैसे देखो ना, अमेरिका में स्टार्टअप क्यों बढ़ जाते हैं, भारत में क्यों नहीं बढ़ते, वहाँ स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, वहाँ पे लोगों को बढ़ावा ऑटोमेटिक, वहाँ की सरकार सब कुछ ऐसे चीज़ें ऐसी बनी हुई है कि इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है। भारत में क्या होता है, प्रयत्न करना पड़ता, तो यहाँ पे मतलब सब अच्छी बात है, क्रिएटिव सोसाइटी है नहीं, तो नेगेटिव चीज़ है, कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चीज़ है। अगला देखो, दूसरी बात ये देखो, साहित्य लेखन की बात कर रहे को मतलब ही नहीं हुआ भाई, ये क्रिएटिव सोसाइटी की बात कर रहे, ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, साहित्य लेखन नहीं भाई, वो क्रिएटिव सोसाइटी ऐसी होगी जो हर विचारों को बढ़ावा देगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख रहे ना, कट गया। अगला देखो, एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत है, मुझे बताओ जहाँ पे अगर इनइक्वलिटीज एकदम स्टैंडर्ड मान लिया गया, भाई ये जन्म जात रहेगी हर हमेशा रहेगी, तो वहाँ कभी क्रिएटिव सोसाइटी बनेगी, कभी नहीं बनेगी, काटो, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक। तो जब ये कटा तो पहले यहाँ पे काटो, दूसरा कटा यहाँ काटो, चौथा स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है, अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, तो एग्जाम में मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे काट लोगे तो चौथा स्टेटमेंट मत पढ़ना, डायरेक्ट थर्ड पढ़ो, आंसर आ जाएगा। आप देखो, एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं, ठीक, अब आगे देखते हैं, एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूह में अपने मानवाधिकार उत्थान की चेतना विकसित होती है, बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विकसित हो रही है, मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, तो ऐसे भी सही था, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्यों सही है, ध्यान से समझना, एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं, अब ध्यान से देखना ना, जैसे मान लो कि भारत में जब कास्ट सिस्टम माना जाता था, कास्ट सिस्टम में सबकी स्वीकृति होती थी, स्वीकृति होती थी, सब ऐसी बात हो, क्रिएटिव सोसाइटी नहीं थी, वो क्या था, जो ये वाली सोसाइटी थी। अब जहाँ पे सब ऐसी बात है कि जैसे मान लो कि मेरे घर में है, मान लो मेरे घर में मैं कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ, ठीक है, मेरे घर वाले मानते हैं, तो मेरे घर वाले और उसके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। वैसे अगर पूरे समाज में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो नए नए विचार निकलेंगे, नए नए विचार निकलेंगे तभी तो क्रिएटिव सोसाइटी बनेगी, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, तो सी आंसर आएगा, ठीक है। तो अपन मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को जाके इस पैसेज में पढ़ के जाके देखना है, समझ में आ गया, ये चीज़ याद रख लेना। अगला देखो, लेखांश के अनुसार वो छोड़ दो, सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी है, मतलब जितने भी सोशल मूवमेंट होते हैं वो कैसे आते हैं, अभिव्यक्त होने का मतलब होता है सामने कैसे प्रकट होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, सोशल मूवमेंट की बात बोला है, पहली बात ये चीज़ याद रख लेना, अभिव्यक्त कौन कौन सी है, ठीक है, पहली बात आक्रामक और धाक होना ये नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, सोशल मूवमेंट कभी ये चीज़ रखना, धीमे धीमे, जैसे मान लो कभी कास्टिज्म का होगा वो कभी वो क्रांतिकारक आंदोलन हो जाएगा, फिर ये चीज़ यार समझ लेना, जहाँ आक्रामकता आ जाएगी वहाँ क्रांतिकारक हो जाएगा, सामाजिक आंदोलन नहीं होगा वो, तो पहला स्टेटमेंट काटो, ठीक। अब देखो डायरेक्ट इसमें देखो, चौथा स्टेटमेंट सही है, समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह है, ठीक है, तो सब ऐसी बात है कि कुछ कुछ लोग होंगे जो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, तो सब ऐसी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो दो थर्ड में से एक ही होगा, ठीक है, अब देखो, बाह्य बलों द्वारा उकसाया जाना, अरे ये सामाजिक आंदोलन सही, सामाजिक आंदोलन मतलब समाज के अंदर से पनपता है भाई, वो बाहर के बलों द्वारा नहीं, काटो, ऐसे आ जाएगा आंसर। सामाजिक समानता और व्यक्ति स्वतंत्रता की तलाश, तो यही जब तलाश होगी तभी तो सामाजिक आंदोलन होगा, तभी लोगों के अंदर जुनून आएगा, ठीक है। अब आगे आओ, ये मोस्टली सब लोगों को ये गलत हुआ है ना, लेखांश के सामने उन्हें कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से देख रहे कौन सा कथन सही है। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या ना इसको मैंडेटरी मान के काट दिया, मैंने कितनी बार बोला, जब भी आप है ना इंग्लिश पढ़ लिया करो एक बार, यही तुम लोगों की गलती है, यही गलती है तुम लोगों की, मैंने क्या बोला था, जब भी इस टाइप लगे तो इंग्लिश पढ़ो। अब देखो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं बोला है, इसेंशियल बोला, इसेंशियल पॉजिटिव वर्ड है, अरे इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो, जिसने काटा ना मैं पक्का बताऊँ सबने इसी को काटा होगा, अनिवार्य देख के, अनिवार्य मैंडेटरी नहीं बोला, इसेंशियल बोला है, अरे भाई सब ऐसी बात है, एसेंशियल मतलब पॉजिटिव वे में बोला, तो ये बात सही भी है, सामाजिक आंदोलन होगा तभी तो क्रिएटिव सोसाइटी बनेगी, तो ऐसे पॉजिटिव चीज़ है, तो अपने एक बार इंग्लिश वर्ड जरूर जाके देख लिया करो। आगे देखो, सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य, अब देखो पॉसिबल स्टेटमेंट बोल देते ऐसे सही होगा, अंतर विरोध और संघर्ष होना आवश्यक है, मैंने पहला ही बोला था अंतर विरोध होंगे, ये देखो ये तो ऐसे भी सही होना चाहिए था, ये क्यों काटा तुम लोगों ने, आवश्यक आ गया था ना लास्ट में,
टू बी क्रिएटिव सोसाइटी इट इज इंपरेटिव टू हैव द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट, क्या इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा मैंडेटरी इस टाइप का वर्ड? मुझे लगा कि एक ऑप्शन तो सही है लेकिन इसमें दूसरा अगर जो गलत रह गया तो इसलिए मैंने नहीं दिया। ऐसे सही होता है, संभाव्य वर्ड कौन देखेगा, पॉसिबल है, पॉसिबल देखो ये वाले स्टेटमेंट बोला ही था अंतर्विरोध होने चाहिए, संघर्षों को ना आवश्यक है, उसमें क्या है, नॉट मैंडेटरी नहीं बोला, मैंडेटरी कहाँ बोला है इंग्लिश में बताओ मुझे, इंपरेटिव बोला, इंपरेटिव इंपरेटिव मतलब पॉजिटिव वर्ड, अत्यावश्यक को उसने इंपरेटिव बोला ना कि मैंडेटरी बोला है। ठीक है कुछ क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ही 2013 में रिपीट हुआ था, 2023 में, कितना टाइम हो गया, 4-5। चलो ठीक है ये और करो ताकि तुम लोगों प्रैक्टिस होगी, तभी 17, 18 और 19 करो, ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं इसमें, कल 12 का भी करके लाना, कल 12 भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है तो 12 का करके लाओगे और 11 का करके लाओगे, 11 घर से करना, फिर मैं कल करवा दूंगा फटाफट, और मेरा ये प्लान है कि मैं थर्सडे तक इसका टेस्ट रखूं सीसेट का। क्योंकि मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बुधवार तक ही कंप्लीट करवा दूंगा 2012 का पेपर। कितने कितने 17, 18, 19 सब लोग बताते जाना है, 17 मेरा 3 बस सही है।
हो गया? हो गया चलो जी। आगे सब बताओ तो फिर काय कर सोमेश। 17 का सी, 18 का सी, 19 का भी सी लगा। हाँ विक्की तुम्हारा तीनों के सी। अमित हाँ तीनों का सी। सचिन जी सर बताओ क्या कहे हो? 18 का सी। 17 का कौन बताएगा? 17 का 17 का सी। 18 का सी और 19 का डी कर दो। अच्छा ठीक है। सपना मेरे 17 का डी, 18 का सी, 19 का सी। तीनों तीनों गलत है तुम्हारे तो। ठीक है अब देख लो क्या पढ़ाई चल रहा है। नगीना आंसर पलट मत लेना, मैंने इसका गलत बोल दिया। हो सकता है सपना के सारे सही है। सर 17 का सी, 18 का ए और 19 का डी। अच्छा पूजा सर 17 का सी, 18 का ए, 19 का डी। पूजा तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो? तुम्हारा पिछली बार तीनों सही हुआ है। सर मैंने इस पे काम किया है PYQ पे, दो दिन से वही कर रही हूँ। तभी ठीक, तभी मैं देखूँ। काजल सर आज भी मैंने पूरे दिन यही की है, कल भी परसों भी। ठीक है ठीक, अच्छी बात। चलो काजल बताओ। 17 का डी और 18 का सी, 19 का डी। 19 का डी और कौन बचा? और कोई तो बचा है अभी? हो गए सब लोग? यही है ना, वो तो कोई है नहीं। ठीक है चलो देखो, ओनली नगीना के सही है सारे के सारे, और ये पूजा के सही है और सबके गलत है। अब देखते जाओ, देखो गलत किस किस के है। 17 का सी आ रहा, तो ये जिसका सी आ रहा है उसका सही है, ये किसके सपना का गलत है और काजल का गलत है। 18 का ये आ रहा जो ओनली इन दोनों के आ रहा है, इसके अलावा किसी का ही नहीं आ रहा। ठीक है 19 का जो है डी है, जो किसके आ रहा है, इनके तीनों के, जिनका आ रहा है इनका 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 और इसका। ठीक है अब देखो इधर सब लोग, तुम लोग कहाँ गलती की अभी पता लगेगा। अब देखो लिखा सुनने में खत्म विचार की छोड़ दो। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बढ़ती मानव जनसंख्या प्रतिकूल प्रभाव जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नेगेटिव थीम है क्वेश्चन की। अब देखो मानव जनसंख्या आध्यात्मिक पारित्व उस पर कब से प्रभाव पड़ने लग गया? सीधी सी बात है, काटो। सपना शर्म ना आए डी मारती हो तुम्हें? अरे मुझे पारितोष का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। इंग्लिश पढ़ो ना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। स्पिरिचुअल में क्या ही पड़ेगा, सब लोग आध्यात्मिक हो सकते, क्या ही दिक्कत है। ठीक है अब देखो आगे देखो, अब देखो अब इसमें देखो इसका मतलब 500 तो सही है, जैव विविधता पर तो पड़ता ही है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी पे अच्छा खासा पड़ता है। ठीक है अब आगे देखो, अब देखो पेयलवण जल पर, ठीक है इसमें तो पड़ता ही है, जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा रिड्यूस होता जाएगा, तो ये होगा तो डायरेक्ट आंसर सी आ जाएगा, बी ऑप्शन है, ऐसे कोई मतलब है नहीं। सौंदर्य पर आनंद में कोई मतलब पड़ेगा नहीं, अगर तुम बी काटोगे ना तो डायरेक्ट ये आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। आनंद में क्या फर्क पड़ेगा सौंदर्य पर आनंद में? ठीक है अब आ जाओ अगला देखते हैं। लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है, कुछ इस खतरे में क्या अंतर नहीं था, कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है, तो कुछ लोगों की हानि हुई है कोई भी, जैसे मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कुछ लोग पॉसिबल स्टेटमेंट आएगा,
वस्तुतः हानि हुई है नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमारा नेगेटिव टाइप है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो नेगेटिव को नेगेटिव ढूंढेंगे। ठीक, खाद और रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास ही नहीं हुए हैं, फालतू नेगेटिव सोच सोच कैसी कैसी बात कर रहे हैं, क्या बढ़ावा देने के लिए साइंटिस्ट लोग किसान लोग ऐसे ही लगे हुए हैं। और ऐसे भी देखो प्रतिकूल प्रभाव की बात कर रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखो, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा, ये सभी वर्ड कौन पकड़ेगा? अपरिवर्तन में समझ रही थी, इसमें परिवर्तन ना करें तो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में 17 से 18 सही हो रहा है ना सर? 17 सेम ही है, इसका भी दो गलत करने में वो गलत होता है 17 का, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हाँ ऐसे भी यहाँ पे बात हो, ऐसे भी हो रहा है ना गलत, पर्याप्त प्रयास नहीं हुआ है। और ये देखो ना सभी लोगों को लाभ पहुँचेगा, कैसे हो सकता है ये? पॉसिबल है? कोई चीज़ किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है तो किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 19 चीज़, ठीक है, लेखा से नियम खतरों पर विचार कीजिए, डायरेक्ट अपने को स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को आपस करना अत्यावश्यक है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ो तुम लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इट इज़ द इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई द अर्थ इकोसिस्टम फॉर द वेल बींग ऑफ मैनकाइंड। क्या स्वाभाविक सी बात है, चीज़ सोचो यार, मैं उस टाइम जो पॉजिटिव वर्ड देखे थे वो क्या था? इम्पेरेटिव तो नहीं था ना वो, मैंने बोला था उस टाइम, रुक गया, एसेंशियल था वो, एसेंशियल था। एसेंशियल पॉजिटिव वर्ड है, इम्पेरेटिव नेगेटिव वर्ड है, ये याद रखना अत्यावश्यक, ये गलत होगा। अरे आप खुद ही सोचो ना, मानव जाति कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को आकर्षित करना ही अत्यावश्यक है। अरे भाई समझ बात है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत तो जरूरी है ना, थोड़ा बहुत भाई कोयला निकाला जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, ये बिना चेंज किए तुम तभी कर पाओगे, गलत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी, ये कौन देखे, वस्तुओं या सेवा को स्थान नहीं ले सकती भाई, कभी तो थोड़ा बहुत भी ले लेगी, एक्सट्रीम वर्ड हो गया तो नहीं ले सकती। उसने बोला है ना कि सभी का नहीं ले सकती, पर कुछ का ले सकती है, तो सब ऐसी बात है, गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट, तो डी आंसर आएगा ना। फिर उसने गलत का बोला है, क्योंकि उसने बोला ही तो है सभी का नहीं ले सकती, मतलब कुछ का तो ले सकती है। तुम लोग का ना, इधर देखो, प्रौद्योगिकी कभी भी एकदम सब एक्सट्रीम वर्ड, पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को स्थान नहीं ले सकती। अरे कुछ का तो ले सकती है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, आजकल तुम्हें पता है जैसे इन्वायरमेंट में शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, तो आजकल ऐसे आता है मास्क जिससे तुम्हें वो ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्या बात कर रहे हो आप, कुछ तो मतलब टेक्नोलॉजी कुछ तो मिल दे रही है ना, सभी का तो नहीं दे सकते अपने को पता है, परंतु कुछ का तो दे देगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। और ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ने सॉल्यूशन दिए हैं। अरे ऐसे भी एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा ना, तो कटेगा दोनों का दोनों स्टेटमेंट, मेरी इसलिए गलत हुए तो अपरिवर्तित को मैं अपरिवर्तनीय समझ रही थी। ठीक है चलो, ये सारे क्वेश्चन करके लाना, ठीक है कल करेंगे, तो कल मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो समझ लो, अब मैंने जो बोला इनके आंसर जाके ढूंढना, आप इन जाके पढ़ना है इसको पूरा पैसेज को, कहाँ पे बोला है, कहाँ पे क्या बात बोल रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। 11 और 12, कल 11 पे 12 कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं ना, 27 हाँ 18 का ये, हाँ और इसका 19 का डी। ठीक है सब लोग कल 11 12 कंप्लीट करना, और मैं वेनेसडे के सारा कंप्लीट करवा दूँगा, फिर दो पेपर टीचर का पेपर भी लेना है ना तुम लोगों का, ताकि रियलिटी का पता लगे ना। ठीक है फिर मैं बता रहा हूँ, लापरवाही मत करो, उधर एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म करो, उसके पीवाईक्यू ख़त्म करो, ये इस जनवरी का टारगेट है। एनसीईआरटी नहीं, लापरवाही कर रहे हो तुम लोग, अगर मैं समझ लो फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, याद रख लेना। चलो ठीक है, बाय फिर।